हैप्री वन सलामकूम वेलकम टू माई चैनल थ्री आज हम बनाना सीखेंगे सुपर रेजी सेंटर हेड इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी और क्रिसमस भी आ रहा है तो ये ज़रूर बनाइएगा डेकोरेशन के लिए ट्री डेकोरेशन के लिए या आप दरवाजे पे हैंग भी कर सकते हैं जिस तरह से आप डेकोरेट करना चाहें बहुत आसानी से समझाऊंगी फ्लैट नेट है सिंगल पॉइंटेड नीडल्स पर बिगडर आसानी से समझ जाएंगे और रिटर्न इंस्ट्रक्शंस भी होंगी तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और लाइक जरूर करें हम सिलाई पे फंदे डाल लेंगे किसी भी तरीके से आप फंदे डाल लें यू कैन कास्ट ऑन स्टिचेस विथ एनी मेथड यू नो इफ यू वॉन्ट टू फॉलो दिस मेथड सर्च कास्ट ऑन बाई क्लीनिट्स ये तरीका इस्तेमाल करना है ना तो मेरे चैनल पे है वीडियो सर्च करें कास्ट ऑन बाई क्लीनिट्स सोलह फंदे हम सिलाई पे डाल लेंगे कास्ट ऑन सिक्सटीन स्टिचेस यहाँ पे आप गिन सकते हैं दो चार छह आठ दस बारह चौदह सोलह सोलह फंदे डाल लिए हैं इसे कम ज्यादा डाल सकते हैं अगर आपको छोटी बड़ी साइज चाहिए वैसे तो मिनी डेकोरेशन केप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब सिलाई पे फंदे डाल लेने के बाद रो वन पहली सिलाई ऑल स्टिचेस रो वन आफ्टर कास्टिंग स्टिचेस स्टिचे ऑल स्टिचेस सारे फंदे हम इस तरह से देखें सीधा फंदा जैसे बुनते हैं ना उस तरह से बुन लेंगे पहली सिलाई स्टिचेस पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे रो वन कंप्लीटेड रो टू पर्ल ऑल स्टिचेस दूसरी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुनेंगे ये ये उल्टा फंदा इसको कहते हैं हम ये इस तरह से कलर कोई भी अपनी आप चॉइस के ले सकते हैं बॉर्डर जिस कलर का बना लें ऊपर वाला पार्ट किस कलर का बनाना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है रो टू दूसरी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें स्टिचेस दूसरी सिलाई पूरी हो गई है तीसरी सिलाई थर्ड रो ने टॉल स्टिचेस तीसरी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लेंगे थर्ड रो नेट मतलब सीधा फंदा पर्ल मतलब उल्टा फंदा ये देखें इस तरह से थर्ड रो कंप्लीटेड तीसरी सिलाई पूरी हो गई है सारे फंदे सीधे बुन लिए चौथी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुनेंगे फोर्थ रो पर्ल ऑल स्टिचेस फोर्थ रो कंप्लीटेड चार सिलाई हमारी पूरी हो गई है चौथी सिलाई हमने बुन ली है अब हम दूसरे कलर से आप इसको कलर बी कहेंगे कोई भी कलर लें अपनी पसंद का जो आपको अच्छा लगे कंट्रास्ट में यहाँ पे मैं दूसरा कलर ऐड करूँगी फिफ्थ रो पे पाँचवीं सिलाई पे मैं दूसरे कलर से सारे फंदे सीधे बुन लूँगी फिफ्थ रो नेटॉल स्टिचेस पाँचवीं सिलाई सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे फिफ्थ रो पांचवी सिलाई चार सिलाइया ये थी पांचवी ये है अब छठी सिलाई सिक्स रो पर लॉल स्टिचे छठी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे ये देखिए छठी सिलाई पूरी हो गई है सिक्स रो डन कंप्लीटेड सेवेंथ रो सात सातवीं सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें सेवेंथ रो completed, सातवीं सिलाई पूरी हो गई है आठवीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे purl रो पर आठवीं सिलाई पूरी हो गई आठ सिलाईया हो गई ना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एट रोज कंप्लीटेड अब नाइन्थ रो जो होगी ना वो गौर से देखिएगा क्योंकि हम शेप देना शुरू करेंगे डिक्रीजेस शुरू करेंगे नाइन्थ रो नवी सिलाई एक फंदा सीधा बुन लिया निट वन नाइन थ्रो निट वन एक फंदा सीधा बुना दो का एक करेंगे निट टू स्टिचेस टुगेदर दो फंदों का एक किया अब आखिरी तीन फंदों तक सारे फंदे सीधे बुन लेंगे टू द लास्ट थ्री स्टिचेस आखिरी तीन फंदों तक सीधा बुन लें गौर से देखिए यही सिलाइयाँ आप रिपीट करती जानी है इसी तरह हम फंदे घटाते जाएंगे अब तीन सिलाइयों तक फंदों तक बुना सारे फंदे सीधे अब दो एक करेंगे नेट टू स्टिचेस टुगेदर, नेट वन एक फंदा सीधा टेंथ रो दसवीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें इस पर कोई चेंज नहीं होगा उल्टी साइड ये जो सारी सिलाइया हैं, आपने इसी तरह से सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं टेंथ रो ऑल स्टिचेस जितने भी होंगे आपके पास सारे फंदे हमारे उल्टे हो बुन लिए हमने दसवीं सिलाई टेंथ रो stitches. Now नाउ कीप रिपीटिंग रो नाइन एंड टेन क्या करना है नमी सिलाई और जो दसवीं सिलाई बुनी बस वही रिपीट करते जाना है मतलब अब सीधी साइड से क्या करते जाएंगे एक फंदा सीधा दो का एक करेंगे फिर सारे बीच में सीधे फिर दो का एक और फिर यहाँ पे एक फंदा सीधा एक यहाँ पे देखिए हमारे पास चार फंदे हैं दो का एक करेंगे, दो का एक करेंगे. चार फंदों पे ये सही है अब हमारे पास दो फंदे आ गए टू अब बाइंड ऑफ कर दें यूं करके धागे को काट लें डबल करके क्योंकि इनकी साइड सीएंगे हम टेपेसिटी निडल लें ऊन वाली सिलाई कोई भी हो जो आपके पास और उससे आप इस धागे को बंद करके सिक्योर करके इसको सिक्योर कर लें और साइड सी लें साइड आप किसी भी तरीके से सी सकती हैं जो भी आपको आता हो लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको ये देखिए आखिरी वाला जो फंदा देख रही है ना ये यहाँ से भी आपने दो रोज लेनी है और दूसरी साइड से भी बस रफ़ली आपने थोड़ा थोड़ा लेते और मिलाते जाना है खींचते जाना है थोड़ा सा आप मिला के जब इसको खींचेंगे तो इसका शेप आता जाता है अभी मैं इसको बंद कर देती हूं यहां तक देखिए मैंने इसको पर्पल कलर से सीखे बंद कर दिया है अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या करेंगे ये देखें ये मैंने सीधी साइड होल्ड की थी और इसको बंद किया था अब ये जारी बात है ये फोल्ड होके इस तरह से होगा तो इसकी फिनिशिंग अच्छी हो इसलिए मैं इसको बंद करूंगी उसी तरीके से लेकिन बैक साइड से तो अब आप कोई भी धागा ले लें ये वेव इन करेंगे बाद में वी विल वेव इन दिस या अभी कर लें आपकी मर्जी है दोनों को मैं साथ ही कर लेती हूँ ये छोटी सी कैप है इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बहुत ही जल्दी बन जाएगी बहुत ही ज़्यादा जल्दी मतलब मैं एक घंटे में पता नहीं कितनी बना लूँ लेकिन अगर आप बिगनर भी हैं फिर भी एक दो बनाएंगे ना तो बड़ा आपको आसान लगेगी बहुत ज़्यादा आसान तो इसको आप वेव इन कर लें पर्पल को पर्पल पर वेव इन कर लें और वाइट को वाइट पे वेव इन कर लें इस तरह से करके ना तो इसको आप काट लें तो ये हमारा हो गया वेव इन इधर अब ये जो धागा है हम उठाते हैं यहाँ से फिर चाहे किसी भी तरीके तरफ से बचा हुआ हो मतलब यहां से बचा हुआ हो ज्यादा धागा तो यहाँ से ले लेंगे यहाँ से बचा हुआ हो तो यहाँ से ले लेंगे ज्यादा धागा जहाँ से भी बचा हुआ यहाँ पे बचा हुआ है ना इसको थोड़ा सा टाइटली खींच के और इसको अब मिलाते जाएंगे जैसे ऊपर से मिला रहे थे उसी तरीके से दो दो करके मिलाते जाएंगे यहां पे देखिए मैंने इसको मिला के खींच लिया है अब इसको आप वेव इन कर लें इस तरफ से बेशक वाइट पार्ट पे सिर्फ करिएगा डू वेव इन ऑन वाइट पार्ट हाई कैप रेडी हो गई है अब इसके लिए हम देखें इसको यूँ फ़ोल्ड कर देंगे ये देखें यूं इस तरह से कैप है ये हमारी अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे ये इतनी इतनी कैप बन रही है इसको हम फोल्ड करेंगे तो जो हमने इसको सिया था वो वाला हिस्सा अंदर चला जाएगा यूँ करके अब इसके लिए हम पम्पम बना लेंगे ऊपर इसको लगाने के लिए जैसे यहाँ पे लगाया है दो उंगलियों को यूं पकड़ लें और इसके ऊपर लपेटते जाएं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस टेन द, 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 दस दफा मैंने इस पर लपेटा है लेकिन अगर आप और फ्लफी बनाना चाह रहे हैं ना अब ये है कि जितना कम आप उसको लपेटेंगे ना उतना लूज ये बनेगा ठीक है और जितना ज़्यादा लपेटेंगे उतना फ्लाफी बनेगा तो यहाँ पे मैंने इसको दस दफ़े दस दफ़ा लपेट लिया है आपकी मर्जी है आप कितना बड़ा बनाना चाह रही हैं धागा लेंगी फिर आप और यहाँ से बिल्कुल यहाँ से गुजारेंगी और यहाँ से इसको टाइटली खींच लें और यहाँ पे नॉट लगा लें आप जितनी दफ़ा भी आप इसको यूं करके हिलाएंगी ना आपको जो ऊपर उभरा हुआ धागा लगे उसको थोड़ा सा ट्रिम कर दें अब यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है कैप रेडी हो गई है हमारे यहाँ पे पंप लगा दिया है क्यूट सा अब अगर आप इस तरह का टसल डालना चाहते हैं तो ऑप्शनल है बट आप डाल सकते हैं आपने इस तरह से धागा ले लेना है और इसको मोटा वाला नॉट लगा देना है ये देखिए थिक नॉट ताकि वो निकले ना फिर उसके बाद यार नेडल से टपेस्ट्री नेडल से इसको हम इसमें फिक्स कर देंगे ये बैक साइड रखनी है ना हमने तो अंदर से जाके बिल्कुल पोम पम्प के पास नियर पोम पम्प अब मोटा नॉट लगाने की वजह से ये निकलेगा नहीं मिनी क्यूट सेंटा कैप रेडी है और ये देखें इस तरह से आप दूसरे कलर में बनाएं डेकोरेशन के लिए ये बनाइएगा ज़रूर मेरे साथ इंस्टाग्राम पेज क्लीन इट्स पे, पे तस्वीरें ज़रूर शेयर किया करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो अल्लाह हाफि